आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज मनीष सिसोदिया ने इतनी नौटंकी इसलिए किया और केजरीवाल दो दिन से इसलिए बार बार कह रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया अब सच में गिरफ्तार होगा। सीबीआई और ईडी को पूरी मनी ट्रेल मिल गई है। इस गैंग ने 200 फोन बदले और उन फोन को यह कुछ हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद तोड़कर भट्टी में जला देते थे, लेकिन एप्पल के सर्वर से और गूगल यानी एंड्रॉइड के सर्वर से काफी जानकारी सीबीआई को मिल गई है। तीन गवाहों ने कहा है कि जिसमें सबसे बड़ा गवाह विजय नायर है, उसने 200 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को दिए थे, उसमें से 30 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए और 50 करोड़ रुपए गुजरात चुनाव के लिए इस्तेमाल करने थे। विजय नायर दिल्ली के सिविल लाइन्स में कैबिनेट मंत्री के साथ अलॉट बंगले में रहता था। यह बंगला दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के नाम अलॉट था, लेकिन कैलाश गहलोत अपने निजी घर में रहते थे और उसी बंगले पर पूरी लेन देन की जाती थी। सीबीआई को बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। उसके अलावा यह गैंग आपस में बातचीत करने के लिए दो इंटरनेट ऐप का इस्तेमाल करती थी। उस ऐप के सर्वर से ही सीबीआई ने काफी जानकारी जुटा ली है। सबसे बड़ी गवाही समीर महेंद्र की है, जिसने सीबीआई को साफ कहा है कि नई आबकारी पॉलिसी कैबिनेट में और विधानसभा में पेश करने से पहले ही उसे 8 अन्य शराब कंपनियों को दे दी गई थी। अब बस जल्दी इंतजार है कि मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का पड़ोसी बनेगा। याद करिए, यह गैंग जब जितेंद्र तोमर गिरफ्तार किए गए थे तब भी उनके साथ खड़ी थी। केजरीवाल कहता था, मैं IRS हूं, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने आते हैं और मैंने जितेंद्र तोमर की डिग्री चेक की है। जितेंद्र तोमर की डिग्री है, लेकिन जब खुद यूनिवर्सिटी ने लिख कर दे दिया है कि उनकी डिग्री फर्जी है, केजरीवाल चुप हो गया। उसके बाद इसका बलात्कारी मंत्री जब पकड़ा गया तब भी उसके साथ खड़ा था, फिर बाद में उसका बचाव करना छोड़ दिया। फिर जब दंगई ताहिर हुसैन पकड़ा गया तब आम आदमी पार्टी कई हफ्ते तक ताहिर हुसैन के साथ खड़ी थी। उन्होंने सड़कों पर नंगा नाच नचाया था, लेकिन जब ताहिर हुसैन का पूरा सबूत सामने आ गया तो खुद ताहिर हुसैन का कबूलनामा सामने आया और पूरी मनी ट्रेल जो दंगे के लिए इस्तेमाल की गई थी वह सामने आ गई। तब यह दोगले ताहिर हुसैन को अकेला छोड़ दिए। फिर यह दोगले सत्येंद्र जैन के साथ खड़े रहे। जब सत्येंद्र जैन की सच्चाई सामने आई और यह सच्चाई भी सामने आ गई कि वह जेल में एक बलात्कारी से मसाज करवाता है और ऐसा बलात्कारी जिसने एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया है, चुप हो गए। कुछ दिनों तक मनीष सिसोदिया के साथ खड़े रहेंगे, बाद में यही केजरीवाल कहेगा कि मनीष सिसोदिया ने मुझे अंधेरे में रखा, आबकारी का पूरा जिम्मा तो उसके हिस्से था, मैं तो ईमानदार हूँ जी, मनीष सिसोदिया ही बेईमान है।